नमस्कार दोस्तों, टैली सफर में आपका स्वागत है। इंडियन आइडल सीजन 12 में जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 7 हफ्तों से चल रहा था पावर प्ले, जिसमें किसी भी कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन जनता ने अपने चहेते कंटेस्टेंट को बचाने के लिए ढेर सारे वोट्स किए। अब इंडियन आइडल में टॉप 9 सिंगल कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया इस शो में अपनी जगह बनाए रखने के लिए। वहीं जनता के वोट्स और जजेस के स्कोर्स को मिलाकर एक और शॉकिंग एविक्शन हुआ इस मंच पर। बता दें कि जजेस से मिले स्कोर्स के आधारित जो दो कंटेस्टेंट बॉटम में थे वो थे शनमुखाप्रिया और अंजलि गायकवाड़। वैसे में जनता से मिले कम वोट्स के आधारित जिस कंटेस्टेंट को ये मंच छोड़कर जाना पड़ा वो है अंजलि गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, वेरी टैलेंटेड और सुरीली सिंगर अंजलि गायकवाड़ इंडियन आइडल से हुई एलिमिनेट और कर दिया इस मंच को अलविदा। बता दें कि अंजलि गायकवाड़ का एलिमिनेशन सभी के लिए रहा काफ़ी चौंकाने वाला, क्योंकि अंजलि इससे पहले सारे गांवों पर लिटिल चैंप्स 2017 की विनर रह चुकी है। इसके अलावा अंजलि एआर रहमान के साथ 10 साल की छोटी उम्र में प्लेबैक सिंगिंग कर चुकी है, फिर भी अंजलि को इतनी जल्दी मंच को छोड़कर जाना पड़ा। माना कि इंडियन आइडल में इस सीज़न का कॉम्पिटिशन है काफ़ी तगड़ा, लेकिन अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी जल्दी इंडियन आइडल से एलिमिनेट हो जाएगी। अंजलि गायकवाड़ के एलिमिनेशन के साथ हमें मिले इंडियन आइडल सीजन 12 के टॉप 8 कंटेस्टेंट्स। क्या कहना है आपका इंडियन आइडल में एक बार फिर से हुए शॉकिंग एलिमिनेशन के बारे में, अपनी कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे इंडियन आइडल सीजन 12 हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सोनी टीवी पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंडियन आइडल से जुड़ी नई खबरें सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें टेली सफर।